स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। सुहाना प्लीज बताओ कि रिपोर्ट क्या है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, जी नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। सुहाना आई क्या? बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप बताइए ना सुहाना कहाँ है? पापा देखिए ना, कोई बता ही नहीं रहा कि सुहाना है कहाँ पे। अरे कहाँ है सुहाना, हमने कितनी बार फोन किया वो फोन नहीं उठा रही है। अरे क्या, कहाँ है बताइए ना। दादाजी, दादाजी आप बताइए ना कि कहाँ है सुहाना। अरे सुहाना तुम कहाँ थी? अरे कितने फोन किए हमने, मैंने, पापा ने, तू फोन भी नहीं उठा रही थी। अरे सुहाना वो क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या कहा क्या डॉक्टर ने? अब सुहाना प्लीज बताओ ना क्या है रिपोर्ट में। सुहाना अरे बता दो सही, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या है रिपोर्ट में? तुम गए थे ना मेरी रिपोर्ट लेने, तुम बताओ मुझे क्या है रिपोर्ट में, तुम बताओ क्या कहा डॉक्टर ने। क्या हुआ, आप लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, बताइए ना क्या है रिपोर्ट में। सुहाना अरे वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि रिपोर्ट तो तुम लेके चली गई हो। मैं? पर रिपोर्ट लेने तो तुम गए थे ना ईशान, पापा, इलेश भैया, आप लोग दोनों भी तो गए थे ना रिपोर्ट लेने। हाँ हम लोग गए थे, लेकिन हुआ ही कि रिपोर्ट तुम लेकर आ गई ना। हाँ वाह, मेरी रिपोर्ट लेने आप लोग गए थे और आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या है। देखा बड़ी माँ, इतनी बड़ी चीज थी और कोई नहीं था वहाँ रिपोर्ट लेने के लिए, वहाँ मेरा नेम अनाउंस हो रहा था, नोबडी वाज देयर। अरे सुहाना डॉक्टर ने कहा था कि वो हमें बुलाएंगे, पर हम तो बाहर ही वेट करते रह गए। अच्छा फिर जब मैं वहाँ पहुंची तब आप लोग कहाँ थे? सुहाना जरूर ये लोग ना कैंटीन में ब्रेड पकौड़े खाने चले गए होंगे। चुप कर, ब्रेड पकौड़ा। पापा मेरी लाइफ एंड डेथ का सवाल था और आप लोग ब्रेड पकौड़े खाने में लगे हुए थे। सुहाना 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 देखो झगड़ा बाद में कर लेना, पहले प्लीज बताओ कि क्या कहा डॉक्टर ने, क्या है रिपोर्ट में। क्यों, मैं जीऊ या मरू इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ईशान, तुमने तो अपना फोन भी बंद कर दिया था। सुहाना सुहाना प्लीज प्लीज बताओ कि क्या कहा डॉक्टर ने। अब तुम जानकर क्या करोगे ईशान, जब जानना था तब तुम कहाँ थे। मैं सोच रही थी कि सब लोग मेरे लिए कितना परेशान है, सबको मेरी कितनी टेंशन हो रही है, लेकिन नहीं, सब तो वहाँ ब्रेड पकौड़े खाने में लगे हुए थे। जरूर इलेश भैया ने कहा होगा ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। अरे नहीं, मैं तो खुद टॉयलेट में फंस गया था। टॉयलेट? हाँ ये गधा टॉयलेट में फंस गया था। अब इससे पहले कि मैं टॉयलेट से निकालता सुहाना रिपोर्ट लेके चली गई। इलेश जी कितने गंदे हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। अरे इसमें शर्माने की कौन सी बात है, वो लॉक अंदर से खराब हो गया तो मैं क्या करूं। नहीं ये सारा कसूर ना इस चंगेज खान का है, इन्होंने ही जबरदस्ती की थी इस निकम्मे को ले जाने के लिए। अरे भाई मैंने अस्पताल इसे पेशाब करने थोड़ी भेजा था। इनकी इसी गलती की वजह से उस दिन पुलिस को पैसे देने पड़े हमें। कि इलेश ना बचपन से बस ऐसे ही रह गया है, मन करते से थप्पड़ मारूं। अरे आप लोग चुप रहेंगे? सुहाना
प्लीज बताओ कि रिपोर्ट क्या है। सुहाना मैं तुम्हें खो नहीं सकता, जी नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। रानो की आंखों में आंसू नहीं है, रोना बंद करो। आज मैं अपनी शांति मासी को बोलकर आया हूं कि ढेर सारी मिठाइयां ले जाऊंगा अपने समधी जी के यहां। वाजपेयी साहब ये क्या मजाक है, हम सब लोग इतने परेशान हैं यहां पर और आप मिठाइयां बांट रहे हैं। परेशान भाई, परेशानियां तो खत्म हो गई। मैंने ही समधी जी को ये खुशखबरी दी आलोक। खुशखबरी मतलब? ईशा, हमारी सुहाना को कैंसर नहीं है। सच? क्या बात, सुहाना ठीक है? मतलब तुम्हारी वो बायोप्सी वो नेगेटिव निकली? सब लोगों को ये पता था? और देखा, सब लोग बेकार में मेरी क्लास ले रहे थे। तुझे तो ना अभी भी सजा मिलनी चाहिए। अरे तेरी वजह से हर वक्त गड़बड़ होती है। मैंने तो ये नहीं सुधरने वाला। अच्छा एक मिनट, भाभी आपने एक्टिंग तो बहुत सॉलिड की, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या सुहाना भाभी, ईशान भाई के साथ साथ आप क्यों रोने लग गई थी? ईशान को रोता हुआ देख के मुझे भी रोना आ गया। सुहाना, आज तुमने मुझे भी डांटा है? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सॉरी पापा, पर ये मेरा प्लान नहीं था, ये माँ का प्लान था। क्या रानो का? माँ आप? रानो, अब तुम अपनी बहू के साथ मिलके मुझे उल्लू बनाओगी? हाँ और क्या, अब आप लोग एक रिपोर्ट भी नहीं ला सके। और यहाँ से तैयार होके तो ऐसे गए थे जैसे कोई कोई किला फतेह करने जा रहे हो। अच्छा चल रजनी, सबको अच्छी सी चाय पिला दे और चाय के साथ ये मिठाइयाँ भी बांट लो। ये हुई ना बात। चलो भाई, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। मैं पहले। एक मिनट, आज इलेश की वजह से ही सारी गड़बड़ हुई है ना, इलेश को कोई मिठाई नहीं मिलेगी। हाँ, इससे तो मिठाई को हाथ भी नहीं लगाने देना। बाजी जी, कौन कौन सी मिठाइयां लाए? खबरदार जो हाथ भी लगाया तुमने मिठाई को तो। दादी जी प्लीज, आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशी आई है तो आज दादाजी को मिठाई अलाउड। हाँ जी, आज तो बनता है बाबू जी को अपना मुंह मीठा करना। भाई सिफारिश के लिए थैंक यू। यू वेलकम।
कैंसर का खतरा नहीं है, रिपोर्ट इज नेगेटिव, छोटा सा ट्यूमर है, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। अगर आपकी जगह पर मैं होती तो आप भी मेरा उतना ही अपने पति से प्यार नहीं करती हो क्या, जो उससे दूर जाने की बात कर रही हो? ईशान और सुहाना, तुम्हारी पम्मी आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। सोना क्या हुआ, तुम इसे ऊपर क्यों चली आई? ये लेटर सुहाना, क्या हुआ? कुछ नहीं। बस सोच रही थी कि तुम, मैं, हम सब कल तक एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे कि मैं जीऊंगी या मरूंगी, और आज देखो सब कितने खुश हैं। मंजीत अंकल के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा ना, वो यही सोच रहे होंगे कि पम्मी आंटी जिएगी या मरेंगी, पर मैं लकी हूं ईशान, पर पम्मी आंटी। सुहाना ये क्या बातें लेके बैठ गई हो, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, ये वक्त है भगवान का शुक्रिया अदा करने का। तुम्हें पता है ना सुहाना, इस एक हफ्ते में हमने मौत को बहुत करीब से देखा है, एक एक पल मरे हैं हम लोग, लेकिन अब भगवान ने हमें मौका दिया है मुस्कुराने का, तो हमें मुस्कुराना चाहिए ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।